मेथड ओवरलोडिंग, जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वैसे मेथड ओवरलोडिंग है। एक ही स्कोप के अंदर अगर दो फंक्शन आपने बनाए हैं, दोनों का नाम सेम है बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो मेथड ओवरलोडिंग हो गया। सर मेथड ओवरलोडिंग तब भी कहलाता है जब अगर हम स्विच कर दें पैरामीटर्स को। स्विच नहीं, नाम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हो ना हो उससे नहीं फर्क पड़ता, नाम सेम नहीं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं सर। अगर स्विच कर देते हैं जैसे ए कमा बी है दो पैरामीटर, हाँ। अगर बी कमा ए कर दे तो भी मेथड ओवरलोडिंग होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पैरामीटर के अंदर नहीं देखते हम, नाम देखते हैं मेथड का, फंक्शन का जो नाम है उससे पता चलता है कि ओवरलोड हो रहा है कि नहीं। हाँ सर वो तो समझ गया मैं, जैसे सम ऑफ ए कमा बी, तो अगर सम ऑफ बी कमा ए कर देंगे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों चीजें अलग होगी ना। पहले वाले में आपने बोला कि नाम किसी का है, फॉर एग्जांपल राम शर्मा, ठीक है, लेकिन दूसरे केस में कह रहे हो शर्मा राम, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। हाँ तो इसीलिए मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। मेथड ओवरलोडिंग तो होगा ही, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग उस पर डिपेंड नहीं करता आर्ग्यूमेंट्स पे, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। मेथड ओवरलोडिंग मेथड के नाम पे पता चलेगा कि सेम नाम के दोनों फंक्शन हैं या दोनों फंक्शन का नाम सेम है कि नहीं है, ठीक है। अगर दोनों फंक्शन का नाम अलग अलग है और पैरामीटर सेम यूज कर रहे हो चाहे आगे पीछे, तो उससे ओवरलोडिंग नहीं, नहीं होगा। हाँ उससे तो मतलब ही नहीं है सर, ओवरलोडिंग का मतलब ही नहीं हुआ। मेथड ओवरलोडिंग तभी होता है जब फंक्शन के नेम सेम हो। हाँ तो अंदर तो आप कुछ भी रखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी नंबर ऑफ पैरामीटर सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, है ना। लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा दोनों में से कंफ्यूज ना हो कंपाइलर, तो कौन सा यूज करना है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, टाइप बदल देते हैं या तो उसका डेटा का, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल चेंज कर देते हैं कम ज्यादा, ठीक है। राइट, तो दो तरह का यहाँ पे हो सकता है ना मेथड को ओवरलोड करने के लिए, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या बाय चेंजिंग डेटा टाइप्स, ये दो ही तरीके हैं। राइट।